बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द केपीएस ऑनलाइन लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर लेक्चर नंबर 9 एंड दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच। नाउ द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज मेंट बाय फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज टू ब्यूटिफाई द स्पीच, यानी जो राइटर पोइट्स वगैरह हैं वो अपनी तहरीर में, अपनी पोइट्री में खूबसूरती लाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो स्पीच को बनाते हैं, लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो इसमें खूबसूरती पैदा करते हैं। सो वी कैन से दैट फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज टू ब्यूटिफाई द स्पीच। राइटर जो है वो अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, अपनी बात में खूबसूरती पैदा करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करता है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आर हेयर, लेट्स डिस्कस देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिमिली, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, usually in a phrase introduced by like or as। सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि the comparison between two unlike things by using the words like or as is called simile, यानी दो बिल्कुल मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं और उसको कंपेयर करने में जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है लाइक और एज़। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि वो चांद की तरह खूबसूरत है, शी इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून, और शी इज़ ब्यूटीफुल लाइक मून। नाउ हेयर वी हैव एन एग्ज़ाम्पल, ही इज़ एज़ फास्ट एज अ हॉर्स। नाउ हॉर्स इज़ कंपेयर्ड विद अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक जानवर को इंसान के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन क्यों किया जा रहा है? उसकी खूबी बयान करने के लिए, उसकी क्वालिटी बयान करने के लिए उसको घोड़े के साथ मिलाया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, बावजूद इसके कि घोड़ा जो है वो जानवर है। यानी सिर्फ अपनी राइटिंग में खूबसूरती पैदा करने के लिए दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है। इट इज़ एज़ कोल्ड एज आइस। नाउ आइस इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट बट इज़ बीइंग कंपेयर्ड। सो द कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स बाई यूजिंग द वर्ड्स ऑफ लाइक और एज इज़ कॉल्ड सिमिली, यानी किसी चीज़ के तरह का कहना। नाउ वी हैव मेटाफर, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, सिमिली में हमने कहा था कि किसी चीज़ की तरह का कह देना, अब मेटाफर में डायरेक्टली जो है वो नाम दे दिया जाता है। जैसे ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, एज इन सिमिली वी से ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन, बट हेयर वी आर सेइंग दैट ही वॉज अ लाइन इन द बैटल, यानी वो जंग में शेर था, यानी शेर की तरह उसने परफॉर्म किया। द स्ट्राइकर वॉज अ गोल मशीन। नाउ अ ह्यूमन बींग इज़ गिवन द नेम ऑफ मशीन। देन वी हैव द मून वॉज अ मिस्टी शेडो, यानी हम किसी भी चीज़ को डायरेक्टली जो है वो अनलाइक ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मेटाफर। यानी सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस है? सिमिली में हम किसी एक ऑब्जेक्ट को अनलाइक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के जैसा कहते हैं, लेकिन मेटाफर में हम उसको उस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। नाउ वी हैव इमेजरी, द यूज़ ऑफ विविड और फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस और आइडियाज़ इन अदर वर्ड्स। इमेजरी इज़ अ पिक्चर क्रिएटेड बाय द माइंड, यानी
जब हम किसी के अल्फाज पढ़कर या सुनकर ख्यालात की दुनिया में पहुंच जाते हैं, अपने जहन में उसको सोचना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। इन इंग्लिश वी कैन से दैट व्हेन द वर्ड्स ऑफ अ राइटर टेक अस इनटू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इट इज़ कॉल्ड इमेजरी। यानी किसी के अल्फाज जो हैं उसको हम सुन के या पढ़ के जहन में तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमने अक्सर पोइम्स में पढ़ा है, बहुत ही मशहूर पोइम डैफोडिल्स। शायर कहता है कि देवर डांसिंग, देवर फ्लटरिंग, के वो रक्स कर रहे थे, अपने सरों को हिला रहे थे। अब ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि वो फूल हैं, इंसानों की तरह वो हरकत जो हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? टू ब्यूटीफाई हिज स्पीच, टू ब्यूटीफाई हिज पोइम। नाउ सम टाइप्स ऑफ इमेजरी आर गिवन, फॉर एग्ज़ाम्पल विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, देन वी हैव ऑल्फैक्ट्री, एंड इन द एंड वी हैव गेस्टेट्री। यानी ये पांच तरह की इमेजरी है, साइट, साउंड, टच, स्मेल, एंड देन वी हैव टेस्ट। नाउ वी हैव पर्सोनिफिकेशन, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्सन। इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक व्हेन एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक। यानी ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो है उसको इंसानी खसूसियात के साथ बयान किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर्स जो हैं उनको इस तरह से बयान किया जा रहा है कि वो जैसे इंसान हों। फ्लावर्स वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यानी अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एन अनलाइक ऑब्जेक्ट इज़ प्रेजेंटेड एज ह्यूमन बीइंग, उसको इंसानी खसूसियात के साथ बयान किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। देन वी हैव एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड और ऑफ द सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। यानी किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में, वर्ड के स्टार्ट में, या जो स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं कि वो सिलेबल्स जिन पे दबाव डाल के हम उनको पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है एलिट्रेशन। यानी द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। नाउ वी हैव द रेपिटेशन ऑफ श एंड स, सो इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। स्टूडेंट्स देयर आर सम अदर सिमिलीज एज, देयर आर अदर सम फिगर्स ऑफ स्पीच एज आयरनी, स्टायर, बट दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। So students, this was our lecture for today. Thank you so much.